नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों मैथ में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है, तीन बड़े ड्रमों में 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर तेल है, किस बड़े माप से सभी मात्राओं को पूर्णता से मापा जा सकता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पहले समझिए, मैथ में क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन को पहले समझना चाहिए, समझ लेंगे तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है तीन बड़े ड्रमों में, यानी तीन बड़े बड़े ड्रम है, जिसमें क्या है दोस्तों, 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर क्या है, तेल है, तेल से ये भरे हुए हैं। और कह रहा है किस बड़े माप से सभी मात्राओं को पूर्णता से मापा जा सकता है, यानी कौन सा एक माप ले दोस्तों जिससे सभी ड्रमों के तेल को हम पूर्णता से माप सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या किया जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों, ये जो 36 है और क्या है दोस्तों 45 है और 72 है, ये है ना, इतने इतने लीटर तेल है, इसका क्या किया जाता है दोस्तों, HCF लिया जाता है। क्या निकाला जाता है, HCF। लेकिन HCF निकालेंगे उसके बाद क्या करते हैं, HCF निकालेंगे लिए फैक्टर करेंगे ना, ये चीज करना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, टाइम लगता है ज्यादा। ठीक है, 3 से 4 मिनट लग जाएगा HCF इन तीनों संख्याओं को निकालने में, यानी फैक्टर करने में, उसके बाद कॉमन लेने में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम ना लगे उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, कैसे सॉल्व करते हैं आपके लिए बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, वो है गो थ्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और कुछ ही सेकंड में इसका आंसर दे लेंगे। मान लेंगे दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस बड़े माप से सभी मात्राओं को पूर्णता से मापा जा सकता है, बड़े माप की बात कर रहा है, तो ऑप्शन में हम देखेंगे कहां पे बड़ा माप है, यहां पे दोस्तों 36 लीटर का एक माप है ऑप्शन नंबर डी में, इसे मान लेंगे कि इससे यह पूर्णता से मापा जा सकता है, तो 36 लीटर वाली तो पूरी मापी जा सकती है एक बार में 36 लीटर। ठीक है, ये तो एक बार में मापा जाएगा, लेकिन 45 लीटर दोस्तों 36 लीटर के माप से मापा जा सकता है कि नहीं, नहीं मापा जा सकता है। 36 लीटर का कोई मापक है दोस्तों, उसे 45 लीटर तेल मापा जा सकता है, एक बार तो 36 निकाल लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको कैसे मापेंगे, नहीं माप सकते क्योंकि 36 लीटर का माप है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36 के बाद अब कौन इससे थोड़ा सा छोटा कौन है, ठीक है, कहने का मतलब है ऑप्शन में बड़ा, ठीक है, 36 के बाद कौन बड़ा है दोस्तों, 4, 3, 9 लीटर, ये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा दोस्तों 9 लीटर। ठीक है, ये 9 लीटर जो दिख रहा है, अब मान लेंगे दोस्तों इससे पूर्णता से मापा जा सकता है, तो 36 लीटर को दोस्तों हम 9 से माप सकते हैं कि नहीं, 9 चौको 36 यानी कि 4 बार में ये क्या होगा दोस्तों, पूर्णता से माप देगा 36 लीटर वाले तेल को, यानी जो ड्रम में 36 लीटर तेल है उसको ये क्या होगा, 4 बार में माप लेगा। और 45 लीटर वाले को दोस्तों 9 लीटर उससे मापा जा सकता है कि नहीं, ये क्या होगा, विभाजित होगा कि नहीं, कहने का मतलब है 9 × 5 = 45, 5 बार में ये भी क्या हो सकता है, पूर्णता से मापा जा सकता है। 72 लीटर जिसमें तेल है दोस्तों, इसको मापा जा सकता है कि नहीं, इसको भी मापा जा सकता है 9, 8, 72 यानी कि 8 बार में। ठीक है, तो वो बड़ा से बड़ा माप क्या है दोस्तों जिससे पूर्णता से मापा जा सकता है, वो बड़ा से बड़ा माप है दोस्तों 9 लीटर का। ठीक है, मापक कितने लीटर का दोस्तों, 9 लीटर का है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप HCF कभी भी ना लीजिएगा, आप ऑप्शन से सॉल्व कीजिएगा। यहां कह रहा है किस बड़े से माप से, यानी कि बड़े से माप इसमें 36 है, 36 से हम 45 को नहीं माप सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। उसके बाद बड़ा कौन था दोस्तों, 9 लीटर था, 9 से यह पूर्णता मापा जा सकता है, यानी 9 से जितनी भी लीटर की ड्रम है, जितनी भी लीटर की तेल है जो ड्रमों में दोस्तों, बड़े से बड़े ड्रमों में, सब यह क्या है, मापा जा सकता है, यानी विभाजित हो रही है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है प्रश्न, और हमेशा इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्व करना है बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं, समझिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया,
तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा, यानी मुझे कितना वोट मिला, मत मिला यानी कि वोट मिला। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको एकदम बेसिक से समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन भी समझ लीजिए। एक कार्यालय है दोस्तों, उसमें क्या है, 40% महिला कर्मचारी है, तो पुरुष कर्मचारी कितने हैं, 60%। और कह रहा है उनमें से 40% महिलाओं ने, यानी 40% की 40%, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है महिलाओं का 40% क्या कह रहा है, उनमें से 40% महिलाओं ने और 60% पुरुषों ने, ठीक है, पुरुषों का 60% पुरुष है, पुरुषों का 60% मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा, यह चीज कह रहा है। तो देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मान लेंगे दोस्तों जो कार्यालय है उसमें टोटल कितने हैं दोस्तों, 100 लोग हैं। कितने लोग हैं, कर्मचारी 100 लोग हैं। इसमें कह रहा है 40% महिला कर्मचारी है, ठीक है, कितने परसेंट महिला कर्मचारी है दोस्तों, 40% ये कितना है, महिला कर्मचारी है। तो पुरुष कर्मचारी दोस्तों कितने होंगे, देखिए ये आपकी फीमेल है और ये मेल है, तो पुरुष कर्मचारी कितने होंगे दोस्तों, 60%। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है उनमें से 40% महिलाओं, 40% महिलाओं, उनमें से किनमें से दोस्तों, 40% महिलाओं में 40% महिला, ठीक है, 40 का 40% कितना होगा, देखिएगा 40 का 40% कितना होगा। देखिए यहां पे जो ये चीज दिया है दोस्तों, संख्या ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझा रहा हूं, समझिएगा, टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, इसमें दोस्तों क्या है, 40% महिला है, तो क्या नहीं, कितनी है, 40 महिला है, ठीक है, और कितने परसेंट पुरुष हो जाएंगे, 60%, तो पुरुष कितने होंगे, 60 होंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है दोस्तों, महिलाओं का उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, यानी 40 का 40% क्या होगा दोस्तों, 40 × 40/100, देखिएगा 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 16, कितने महिलाओं ने वोट दिया मेरे पक्ष में, 16, पुरुषों ने कितना दिया दोस्तों, 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में वोट दिया, तो 60 का 60% क्या होगा दोस्तों, देखिएगा 60 × 60/100, 60 का 60% ऐसे ही निकाला जाता है ना, परसेंटेज के बेसिक वाले में आपको बताया हूं, ठीक है, कैसे परसेंटेज निकाल जाता है, तो ये क्या होगा, 2 0 नीचे 2 0 ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा, 6 6 का 36, ठीक है, 36 पुरुषों ने मेरे पक्ष में वोट दिया, महिलाओं ने कितने मेरे पक्ष में वोट दिया दोस्तों, 16, और पुरुषों ने कितना वोट दिया, 36, ठीक है, 16 और 36 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 12 का 2 3 1 4 1 5 52, कितना हो जाएगा दोस्तों, 52, कितने लोगों ने मेरे पक्ष में दोस्तों वोट दिया, 52, टोटल कितने लोग थे दोस्तों, 100 हमने माना था, और इसमें से दोस्तों हमें कितना वोट मिला, 52 मिला, तो मेरे पक्ष में कितना प्रतिशत वोट रहा, 100 में 52 मिला, तो यानी कि 52% वोट मेरे पक्ष में रहा, 100 पे दोस्तों अगर जो 20 मिला होता तो 20% सीधा सीधा होता है, क्योंकि आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, 100 में कितना मिला दोस्तों, 52, तो 52/100 × 100, ठीक है, ये 52% हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 52%, तो मेरे पक्ष में कितना परसेंट वोट मिला दोस्तों, 52% वोट मिला, और 52% किस ऑप्शन में दोस्तों दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है, बस दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, जो कहता है बस उतना ही करेंगे, प्रश्न सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के भी क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है कोई बक्सा जब रेत से भरा होता है तो उसका वजन 9.5 किलोग्राम होता है, और जब वह आधा भरा होता है तो उसका वजन 6.5 किलोग्राम होता है, खाली बक्से का वजन बताइए। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे जो किलोग्राम दिया है वो कुछ और रहेगा, ठीक है, या यही रहे, ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, समझिएगा, बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा पूछा जाता है। कह रहा है जब कोई बक्सा रेत से भरा होता है तो उसका वजन क्या होता है दोस्तों, 9.5 किलोग्राम, यानी कि 9.5 kg होता है, और फिर कह रहा है जब वो आधा भरा होता है तो उसका वजन क्या होता है दोस्तों, 6.5 किलोग्राम होता है, तो पूछ रहा है खाली बक्से का वजन क्या है। तो देखिए यहां पे 9.5 किलोग्राम है जब पूरा रेत से भरा है, जब आधा भरा है तब क्या हो रहा है दोस्तों, 6.5 किलोग्राम, यानी कि इसमें से जब आधा रेत निकाला जाता है तो वजन कितना घटता है, 9.5 से 6.5 हो जाता है, यानी कि आप माइनस भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 kg, 3 किलोग्राम वजन क्या होता है दोस्तों, कम होता है, यानी आधे रेत का वजन कितना है दोस्तों, 3 kg, यानी 3 kg, तो पूरे रेत का वजन क्या होगा, जब आधे रेत का वजन दोस्तों 3 किलोग्राम है, तो पूरा रेत का वजन क्या होगा दोस्तों,
6 kg होगा। ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा, 6 kg होगा। और पूरे रेत से भरे बक्से का वजन क्या है दोस्तों, 9.5 किलोग्राम है। तो ये क्या करेंगे दोस्तों, 9.5 किलोग्राम में से पूरा रेत निकाल देंगे तो बचेगा क्या दोस्तों, सिर्फ बक्सा। तो वही आ जाएगा बक्से का वजन। तो 9.5 किलोग्राम में से दोस्तों आप क्या करेंगे, 6 kg को घटा लेंगे। तो 9.5 kg में से 6 kg घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3.5। क्या बचेगा दोस्तों, 3.5। कितना बचेगा समझिएगा, क्या होगा, 3.5। ये क्या बचा दोस्तों, खाली बक्से का वजन। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, खाली बक्से का वजन बताइए। तो 3.5 किलोग्राम हो जाएगा। किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक किया करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करिए। और जो नए स्टूडेंट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही ले, और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनता है दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, उसे जरूर ऑन कर ले ताकि आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कराता हूं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चौथा क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दूं, दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की ईबुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, क्योंकि दोस्तों इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ईबुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा, इस ईबुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत ₹150 रखी थी, लेकिन मेरे कहने दोस्तों ईबुक आपको मात्र ₹25 में मिल जाएगी। दोस्तों इस ईबुक को दोस्तों आप ले कहां सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस लिंक के थ्रू इस ईबुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यह ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे, ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इसे सॉल्व करने के लिए मैं बहुत ही आसान तरीका समझाने वाला हूं। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, वो भी सेकंडों में। देखिए कैसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से ₹1200 अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ए बी सी के क्या दिया है दोस्तों, मासिक वेतन यानी जो मंथली इनकम है उसका रेशियो दिया है 2:3:5 के अनुपात में है, और कह रहा है सी का मासिक वेतन है जो मंथली इनकम है वो ए के मंथली इनकम से ₹1200 का है अधिक है, और पूछ रहा है बी का वार्षिक वेतन क्या है, वार्षिक वेतन यानी सालाना आय पूछ रहा है, यहाँ पे मंथली इनकम नहीं पूछ रहा है, सालाना पूछ रहा है, ठीक है। एक साल में यानी 12 महीने में कितना उसकी इनकम है यानी वेतन होगी, ठीक है, ये चीज पूछ रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से ₹1200 अधिक है, और ए बी सी का रेशियो क्या दिया है दोस्तों, ए इज टू बी इज टू सी, इनका इनकम का रेशियो क्या है दोस्तों, 2:3:5 है, ये है ना इनका मासिक वेतन का अनुपात। और कहा है सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से ₹1200 अधिक है, तो यहां पे देखिए सी का ए से कितना रेशियो में कितना अधिक है, 2:5 कितना अधिक है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, कितना अधिक है दोस्तों, 3 अधिक है, रेशियो में 3 अधिक है, रुपए में कितना अधिक है दोस्तों, ₹1200 अधिक है। देखिएगा यहां पे लिखा है ना ₹1200 अधिक है, कितने है दोस्तों, ₹1200 अधिक है रुपए में। तो 3:0 दोस्तों क्या हो जाएगा, 3:0 दोस्तों 1200, 3:0 दोस्तों क्या होगा 1200, तो 1:0 क्या होगा दोस्तों, 1200 को 3 से भाग कर देंगे, 1:0 हो जाएगा ₹400, 1:0 क्या होगा ₹400 हो जाएगा। और पूछ कह रहा है तो बी का वार्षिक वेतन क्या है, तो पहले हम निकालेंगे बी का
बी का क्या निकालेंगे दोस्तों, मंथली इनकम क्या है। तो बी का रेशियो क्या है दोस्तों, थ्री। बी का रेशियो क्या है, थ्री। एक रेशियो बराबर 400, तो थ्री रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों, 4 × 3 = 1200। तीन रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 1200। और यहां पे भी देखेंगे तीन रेशियो बराबर क्या आ रहा था दोस्तों, 1200 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 1200 रुपए बी का मंथली इनकम है। ठीक है, महीने का जो मासिक वेतन कितना है बी का, 1200 रुपए। और पूछ कह रहा है वार्षिक वेतन यानी सालाना, यानी कितने महीने का पूछ रहा है, 12 महीने का पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 12 से गुणा कर देंगे, 12 × 1200, तो 12 × 1 = 144, 144 पीछे 2 जीरो लगा देंगे, यानी 14400 रुपए हो जाएगा। कितना रुपए हो जाएगा दोस्तों, 14000, देखिएगा सॉरी, कितना हो जाएगा दोस्तों, 14400, 14400 रुपए क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का क्या हो जाएगा, वार्षिक वेतन हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 14400, क्योंकि 1200 रुपये किसी व्यक्ति की मंथली इनकम है, तो 12 महीने में कितनी आय होगी दोस्तों, 14400 होगा। और 14400 दोस्तों देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपको समझाने के लिए इतना लिखा हूं, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे देखेंगे दोस्तों सी ए से कितना अधिक है, रेशियो में कितना अधिक है, 2 से 5 कितना अधिक है, 3, या यही 3 रेशियो बराबर क्या है दोस्तों, 3 रेशियो बराबर यानी रेशियो में 3 अधिक है, रुपए में 1200 अधिक है। और पूछ कह रहा है दोस्तों बी का वार्षिक वेतन, तो बी का जो ये रेशियो क्या है, 3, और 3 रेशियो बराबर 1200 है, तो बी कितने रुपए इसका मंथली इनकम हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है वार्षिक, यानी कि 12 महीने पूछ रहा है, तो 12 से गुणा कर देंगे, एक महीने का 1200 है, तो 12 महीने का क्या हो जाएगा, 12 × 1 = 144 हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ये चीज इसमें गुणा करके आप चाहे तो देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 14400 रुपए हो जाएगा। 14400 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और आपके भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा दोस्तों। अगर आपको मैथ में किसी और चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो उस चैप्टर का नाम भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वो भी चैप्टर मैं बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। देखिएगा दोस्तों, और आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर वाइज दोस्तों मैथ पढ़ना चाहते हैं, दोस्तों आपके लिए एक चैनल बना हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं दोस्तों। उस चैनल पे मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ को जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लेंगे, वो भी बिना पेन का है। तो मैथ में आपको दोस्तों थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो और दोस्तों आपको बता दूं, ये सब प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप से बना हुआ है यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप से बना हुआ है यहाँ पे प्रेस करके, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं या जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब दोस्तों लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करके चैनल साथ जुड़ जाइए, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये इस टाइप से दिखने लगा। जब ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा दोस्तों, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।